यहाँ पे काफ़ी लोग मानते हैं कि जो मांगते हैं सब मिल जाता है। एक मैं किसने बताया था यहाँ पे कि 40 दिन का टाइम होता है कि आप कोई चीज़ अगर 40 दिन तक यहाँ पे कंटिन्यू जल चढ़ाते हो या फिर आते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो दादे दादे भाई साहब, स्वागत है आपका आपको एक नई वीडियो में। और कल मेरे 60 दिन कम्प्लीट हो गए थे 75 डेज के, और आज मैं 61 डे है। तो इसी के साथ आज मैं जा रहा हूँ एक बड़े ही सिद्ध मंदिर में, जो महादेव का सिद्ध मंदिर है, और ये पड़ता है बेचल के पास, हरिद्वार बेचल के पास। बजरंग बली का मंदिर भी है वहीं पे साथ में, उसको लोग हनुमान मंदिर के नाम से जानते हैं, लेकिन वो शिव जी का मंदिर है और बीच जंगल में पड़ता है वो। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसके दर्शन करने, वहाँ की लोकेशन देते हैं, मेरे को वहाँ पर जाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो चलते आज उसी को देखते हैं। तो ये पड़ता है यहाँ रोड से लेफ्ट में, बेचल के पास से इसका रास्ता निकलता है। ये सामने है मंदिर, एक एंट्रेंस यहाँ से भी है, बट इसका जो मेन एंट्रेंस है वो आगे से आता है। और ये बिल्कुल जंगल में बीच में, इधर भी जंगल है। तो देखो मोर 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 मोर, इधर गाड़ी वाड़ी पार्क कर सकते हो आप, काफ़ी एरिया है, बेचल का एरिया होता है। तो ये रहा भैया प्राचीन शिव हनुमान मंदिर, इसकी एंट्री कुछ इस तरह से है। तो चलो और अभी हुआ है शाम का टाइम तकरीबन 5:30, तो मैं सुबह सुबह आराम ही कर रहा था, इसलिए आज शाम का टाइम निकला शूट पे। दो दिन से सोया था, वो नींद पूरी करने के चक्कर में मंदिर में एंट्र हो चुका हूँ। और मंदिर में एंट्र के बाद पहले जो लेफ्ट में मंदिर आता है वो एक है गोगा जी का, अगर आप जानते हो गोगा जी महाराज। तो भाई गोगा जी महाराज के दर्शन हो गए हैं, हनुमान जी का जो मंदिर है ये काफी पुराना है यहाँ पे। इधर से एंट्री होने के बाद ये जो बड़ा वाला हॉल है, यहाँ चलता है भंडारा वगैरह या फिर आराम करने के लिए काफ़ी जगह है। और इधर से ही फिर लेफ्ट साइड से सबसे पहले आता है बजरंगबली का मंदिर, तो अब चलते हैं जो मेन दरवाजे है। इसमें सबसे पहले आती है हमारे श्री हरि विष्णु, फिर राम दरबार जिसमें श्री राम जी है, सीता माता है, लक्ष्मण जी है, और हमारे बजरंग बली, साथ ही में कन्हैया जी। ये करने के बाद एक मंदिर इधर और भी जो भी नया बना है ये वाला, बट अभी ये पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं है, तो इसलिए इसके कपाट बनते हुए हैं। और अभी मैं जाना दूसरी साइड जिधर महादेव के बड़े बड़े जो महादेव के बड़े मंदिर है या फिर उधर और भी भगवान के मंदिर है वो सब देखने के लिए। देखो ये पूरा जंगल में बना हुआ है भाई, जंगल में एकदम, यहाँ रात को जंगली जानवर भी आते हैं भाई। और अभी गर्मियों का टाइम है तो हाथी वगैरह इधर से आते हैं, हाथी चीते। अभी गर्मियों का टाइम स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे हर मंगलवार को लंगर लगता है, काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग करवाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे करवाते हैं, यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है महादेव का। और बजरंग बली का जो ये टेंपल है इसको काफ़ी दूर तक लोग पहचानते हैं, काफ़ी दूर मतलब काफ़ी लोग विश्वास की चीज़ पर करोगे ना तो वो चीज़ रियल होती है, और भक्ति भाव से कुछ मानोगे तो सब चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ की जो बड़ी मनोकामना है, यहाँ पे काफ़ी लोग मानते हैं कि जो मांगते हैं सब मिल जाता है। एक मैं किसने बताया था यहाँ पे कि 40 दिन का टाइम होता है कि आप
कोई चीज़ अगर 40 दिन तक यहाँ पे कंटिन्यू जल चढ़ाते हो या फिर आते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सबसे पहले होते हैं हमारे गणेश जी के दर्शन। फिर महादेव, महादेव के दर्शन करने के बाद मैं आया हूँ थोड़ा आगे और यहाँ पे एक कुंड है जो अभी सूखा पड़ा है कुछ टाइम के लिए, बट आने वाले टाइम में जल्दी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अभी इसका डेकोरेशन का काम थोड़ा कंप्लीट हुआ है, रिनोवेशन का काम, अब इसको जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और राइट साइड में जो तीन मंदिर आते हैं, तीन में से एक मंदिर है माता रानी का, हमारी शरावाली माता का, पहले गणेश जी का, फिर महादेव का, और अब है माता रानी। हॉल में सबसे पहले जो मंदिर आता है वो है साईं मंदिर। ये हॉल के मंदिर है, एक साईं मंदिर हो गया, फिर संतोषी माता, काली माता, और लास्ट गायत्री मंदिर, ओम बुद्ध स्वास सवित उदयम गुरुदेव धीमहि धीमहि न पहुँच दिया, पत्तों से ढका हुआ है थोड़ा सा। देखो भैया सामने मोर है, बस भाग ना जाए, इस मंदिर में हमेशा आपको मोर जरूर मिलेंगे। उड़ गया। तो ये अभी यहाँ पे थोड़ा घास वास खड़ा है, जल्दी साफ सफाई कर देंगे क्योंकि यही मंदिर भी नया नया बना है, अभी कौन से भगवान का है पता नहीं, बट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसमें दर्शन स्टार्ट हो जाएंगे। पूरा जंगल में है ये मंदिर, देख लो इधर से बेचल की बाउंड्री निकलती है वाली, इधर से तो फाइनली ये मंदिर मैं घूम लिया हूँ, दर्शन मैंने सब जगह कर लिए हैं। और एक स्पेशल बात, केवल 15 दिन बचे हैं मेरे 75 डेज के जो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करूँगा भाई, क्योंकि मुझे लगा था कि 75 डेज मेरे लिए बहुत ईजी रहेंगे और मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा, कंटिन्यू रहेगा सब कुछ बढ़िया, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा हार्ड रहा है क्योंकि तो नींद पूरी नहीं होती, उसमें दिक्कत ही आती है। वीडियो का चार पाँच मतलब सुबह से लेकर शाम तक वीडियो छूट होती है, फिर रात को 11-12 बजे तक एडिट होती है, फिर 2-3 घंटे अपलोडिंग कर लेता है, तो पूरी रात ऐसे कट जाती है, नींद कुछ नहीं होती। खैर वो बात है, आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगा 75 डेज कम्प्लीट होने के बाद। अभी तो भाई दर्शन मेरे सारे हो गए हैं, आज का काम ख़त्म हुआ, तो मिलते हैं आपसे कल एक नए लोकेशन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।